हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। ये टाइम वर्क से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है ए सिस्टम हैज टू टेप्स व्हिच फिल इट इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। मतलब कि सिस्टम में जो एक टंकी है उसमें क्या टू पाइप दिया हुआ है, जो टंकी को फिल करते हैं बस जो भरते हैं, तो एक क्या करता है 12 मिनट में भर देता है और दूसरा है जो 15 मिनट में भर देता है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई ए पाइप, हम लोग पहला मान लेते हैं ए मान लेते हैं पाइप, वो क्या 12 मिनट में उस टैंक को फिल कर देता है। जो दूसरा पाइप भी दिया हुआ है, बी हम लोगों ने मान लिया है, वो उसको क्या कर देता है 15 मिनट में फिल कर देता है 15 मिनट में। ठीक है, आगे देखते हैं कि देयर इज आल्सो ए वेस्ट पाइप, मतलब एक वेस्ट पाइप दिया हुआ है, मतलब जो कि उस टंकी को खाली करता है। पाइप इन द सिस्टम, ये कहता है व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपनड द एम्प्टी सिस्टम इज फुल 20 मिनट्स। ये क्या जो तीसरा पाइप दिया हुआ है वो उस टैंक को खाली कर रहा है, तो अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, मतलब तीनों को खोल दिया जाए, तो वो टंकी 20 मिनट में फुल हो जाती है। हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी ए फुल सिस्टम, मतलब जो वेस्ट पाइप दिया हुआ है वो अगर हम केवल उसको ओपन कर दें तो वो कितने देर में टंकी को खाली कर देगा। चलिए हम मान लेते हैं कि सी, जो सी दिया हुआ जो कि वेस्ट पाइप है वो क्या है एक्स मिनट में टंकी को खाली कर देता है, एक्स मान लेते हैं। तो टाइम और वर्क्स रिगार्डिंग का न्यूमेरिकल्स है जो किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है टोटल यूनिट, टोटल यूनिट मतलब हो गया कितना वर्क करना है आपको एक्चुअली। तो उसके लिए हम वो क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो कि टाइम हमको दिया होता है, यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है इसका एलसीएम लेंगे। तो हमें दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है, इसका 15 दिया हुआ और ये एक्स दिया हुआ है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 इंटू एक्स, इतना आ जाएगा हमारे यूनिट, इतना यूनिट हो गया। अब दूसरा नंबर है क्या हो गया, पहला निकालते हैं टोटल यूनिट निकालते हैं, हम दूसरा निकालते हैं यूनिट पर डे, यूनिट पर मिनट, यूनिट पर टाइम निकालते हैं, यहाँ पर मिनट में दिया हुआ तो यूनिट पर मिनट, तो यूनिट मतलब क्या होगा टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कितना दिया हुआ 60 इंटू एक्स हो गया अपॉन पर मिनट, तो अपन क्या कर कितना टाइम लगा हुआ इसके द्वारा 12 मिनट दिया हुआ, यहाँ पर 12 मिनट दिया हुआ, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.60, तो 5x यूनिट पर मिनट, मतलब ये 5x यूनिट पर मिनट करेगा, लेकिन हम यहाँ पर प्लस लिख लेंगे क्योंकि ये टंकी को फिल करने के लिए, टंकी को भरने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो ये क्या होगा, बी की बात करें तो 15 यूनिट, तो इसका टोटल यूनिट पर डे निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा टोटल यूनिट, तो 60x अपॉन 15 हो जाएगा अपॉन टाइम, तो 15 × 60 तो 4x यूनिट पर मिनट आ जाएगा, यहाँ पर 4x यूनिट पर मिनट आ जाएगा। ये भी हम क्या इसको प्लस ले लेंगे क्योंकि ये भी फिल करने के लिए यूज किया जाता है। अब सी है जो ये क्या है इसको खाली करने के लिए यूज किया जाता है, तो हम इसका निकालें टोटल टाइम, तो टोटल यूनिट तो 60x अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -60 यूनिट पर मिनट। हमने यहाँ पर -60 क्यों लिखा, क्योंकि ये टंकी को खाली करने के लिए यूज किया जाता है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिए जाएं, ए प्लस का बी प्लस सी, अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो वो टंकी को कितने देर में फिल करेगा। तो हम मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा 5x, ये टंकी को फिल करने के लिए यूज किया था क्योंकि प्लस लगा देते हैं, ये भी प्लस लगा देते हैं क्योंकि ये भी टंकी को फिल करने के लिए यूज किया था, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस का 60 क्योंकि ये टंकी को खाली करता है, तो इतना यूनिट पर मिनट आ जाएगा, इतना यूनिट पर मिनट मतलब कि एक मिनट में इतना यूनिट भर देगा वो, तो कितना हो जाएगा ये 9x माइनस का 60 हो जाएगा। अब हमको निकालना टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका निकालेंगे हम लोग टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगाने के लिए क्या होगा आपका टोटल यूनिट, टोटल यूनिट लिखेंगे अपॉन तीनों के द्वारा यूनिट पर मिनट कितना, मतलब एक मिनट कितना यूनिट काम किया गया, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा हमारा, आ जाएगा वो मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल यूनिट कितना दिया हुआ था, हमारा 60x दिया हुआ था अपॉन यूनिट पर मिनट कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर 9x माइनस 60 दिया हुआ है। ठीक है, 9x माइनस 60, तो हमारा जो यहाँ पर 9x माइनस 60 दिया हुआ है यूनिट पर मिनट, ठीक है, इतना आ गया। और हमारा इसको अगर जब तीनों को ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन ऑल द पाइप्स आर ओपनड द एम्प्टी सिस्टम इज फुल 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में फुल हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको जो टाइम है वो इक्वल टू 20 कर देंगे, ये 20 मिनट हो गया। ठीक है, अब इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारा 10, तो जो x की वैल्यू आ गई हमारा 10, तो हमने x क्या एज्यूम किया था यहाँ पर, यहाँ पर x की वैल्यू हमने एज्यूम किया था कि c उस टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है बी, मतलब उस टंकी को 10 मिनट में खाली कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।